स्पेलिंग में हैं या फिर क्लेम मिलने में दिक्कत हो रही है, आप पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनियां भी आपकी मदद नहीं कर रही हैं, ऐसे में अक्सर लोग सारी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यहां आपके काम आ सकता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। योर मनी में हमारी कोशिश होती है हमेशा आपको आपके फायदे की खबर बताने की, तो कैसे आप उठा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का फायदा, जानेंगे योर मनी में आज। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और मेरे साथ है रुमटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन। रुमटा हर्ष, आपका स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा हर्ष के, जब इंश्योरेंस को लेकर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम अमूमन IRDA की तरफ देखते हैं, उनके पास अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनसे हमें समाधान मिल जाएगा हमारी परेशानियों का, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इन सब के चक्कर में समझना चाहूंगी मैं कि IRDA के पास किस तरह की शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं, और साथ ही ओम्बड्समैन कैसे पिक्चर में आता है, कैसे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपकी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतों को सुलझा सकता है। वेल कविता, अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर आपने कोई क्लेम, अक्सर क्लेम रिलेटेड ही मेजर कंप्लेंट्स होती हैं कि आपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल कर दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ और वो जवाब नहीं दे रहे हैं आपको, तो आप IRDA की IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आप कंप्लेन कर सकते हैं। सो IRDA निर्देश देगा इंश्योरेंस कंपनी को, आप ये क्लेम प्रोसेस करिए, टाइमली उसे प्रोसेस करके आप जो भी जवाब है आप एक पॉलिसी होल्डर को दे दीजिए। अगर कोई कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है जी, तब आप IRDA का वापस नहीं जा सकते कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, अभी आप IRDA इंश्योरेंस कंपनी से कहिए कि मेरा क्लेम की पेमेंट करें। अच्छा। वो पावर्स जो है वो IRDA के पास नहीं है। यानी एक बार आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी तो आप IRDA के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारा क्लेम दिलवाइए इनसे। करेक्ट। IRDA एज ए रेगुलेटर आपको एक नियम बनाते हैं, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसे एक इवैल्यूएट करना होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है और क्यों रिजेक्ट कर रही है, जो पॉलिसी होल्डर है वो क्यों क्लेम मांग रहा है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि पेमेंट मिलना चाहिए। सो ये कोर्ट्स का काम, एक जज होता है जो एक आर्बिट्रेटर होता है, वो डिसाइड करता है कि जब ये डिस्प्यूट होता है कैसे सेटल हो। ये एडजुडिकेशन पावर्स जो है वो IRDA के पास नहीं है इसमें, क्योंकि हमने देखा है अक्सर 90% लोग कोर्ट में जाते ही नहीं है क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको एक कॉस्ट यू नो एक्सपेंस लगता है इसमें। तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की ऑफिस बनाई थी इसी पर्पस के लिए कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ये स्कीम जो है वो कॉर्पोरेट्स और कंपनीज के लिए लागू नहीं होती। जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपनी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की ऑफिस में दर्ज कर सकते हैं और वहां पे जो प्रोसेस है क्लेम सेटलमेंट का, जो आपके ऑर्डर आने का, वो बहुत ही सिंपल है और कोई खर्चा नहीं लगता आपका। इट इज अ कंज्यूमर फ्रेंडली इनिशिएटिव बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, उसी पर आते हैं कि फायदे आपने कहा बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह की शिकायतें लेकर हम उनके पास जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। नाउ अब आपको ये क्लियरली जानना है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आप कौन सी स्पेसिफिक शिकायतें लेकर जा सकते हैं। आप कोई भी ऐसी आपके जो भी अच्छा नहीं लगे आप जाके उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते। उनकी स्कीम में बहुत स्पेसिफिकली 5 चीजें बताई गई हैं। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है पूरा या तो आधा, अगर आपने 1 लाख रुपए का क्लेम किया है लेकिन आपको कंपनी बोल रहे हैं 50,000 ही देंगे, आप उससे खुश नहीं है, आप ये क्लेम आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। अगर आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा है, वो डिले कर रहे हैं, तो भी आप अपनी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस में दर्ज कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी जो इंडिविजुअल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, ये 2 कारण है। बाकी उनके और है कि आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं गया है, आपने प्रीमियम भर दिया है लेकिन फिर भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया नहीं है आपको, बाकी आपको अगर कोई डिस्प्यूट है प्रीमियम को लेकर कि आपने जितना प्रीमियम भरना था और जितना कंपनी ने कलेक्ट किया, ये सब बाकी 2-3-4 इश्यूज हैं, वो अदरवाइज माइनर है। मेजर जो रिलीफ का जो ऑप्शन है वो है क्लेम्स को लेकर। जी, लेकिन मैं कैसे शिकायत दर्ज कर सकती हूँ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, कैसे अप्रोच किया जाए, क्या मुझे कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑनलाइन के जरिए मैं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हूँ, या कोई एजेंट होते हैं इनके जिनके पास जाके हमें शिकायत दर्ज करनी होती है, कैसे करें? प्रोसेस इनका बहुत क्लियरली डिफाइंड है। पहला है कि अगर आपकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया है, पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि आपको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है, हर इंश्योरेंस कंपनी में मैंडेटेड किया गया है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल हो उसी कंपनी में। तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के बाद एक एप्लीकेशन आप रिव्यू के लिए फिर से डालते हैं उसी कंपनी के पास। अगर वही कंपनी ने आपको जवाब नहीं दिया 1 महीने में, जिस दिन आपने एप्लीकेशन की उसके 1 महीने तक उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया है या जवाब दिया है जिसे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और ये कंप्लेन आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो लास्ट कम्युनिकेशन आया था उसके 1 साल के भीतर करनी है। ठीक है। सो अगर आपने ये टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कंप्लेन रजिस्टर नहीं होगा। ये होने के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आप एक चिट्ठी लिख के भी आप वहां भेज सकते हैं, आपका जो भी मैटर है, पॉलिसी नंबर, जो आपका ब्रीफ में आपकी कंप्लेंट है वो आप लिख के साथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट का कॉपी लगा दीजिए और जो आपका क्लेम रिजेक्शन के फॉर्म्स हैं
वो आप जो भी आपने क्लेम के टाइम भरे थे और रिजेक्ट हुआ था वो लेटर्स वगैरह लगा के आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में भेज सकते हैं, पोस्ट या कुरियर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ईमेल करके उन्हें डिटेल्स दे सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस से आपको एक चिट्ठी आती है जिसमें आपके पास आपको फॉर्म टू P2 एंड P3 फॉर्म उनको वो आपको भेजते हैं और एक लिस्ट भेजते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भर के उन्हें वापस जमा करनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्म्स होते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई एजेंट या किसी की आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप वो फॉर्म बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसमें आप अपने वही कंप्लेंट को आप एक अलग अलग सेक्शन में भर के दे रहे हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछेंगे, अमाउंट पूछेंगे, कब रिजेक्ट हुआ था, वही सिंपल फॉर्म है। साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्लेम से रिलेटेड है वो भर के आप इंश्योरेंस कंपनी को वापस भेजें, वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको खुद जाने जरूरत नहीं है। जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो खाली आपको देखना है। अगर आप बॉम्बे में हैं और इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई में है, पॉलिसी होल्डर जो ज्यूरिस्डिक्शन में आता है वहां पे कंप्लेन फाइल होती है। ये अच्छी सहूलियत है। तो ये नहीं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेन्नई में है तो आपको चेन्नई फाइल करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। अगेन कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर अपना कुरियर कर सकते हैं, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक तारीख का वापस आपको एक लेटर आएगा, एक तारीख निर्धारित की जाएगी जब आपको बुलाया जाएगा वहां पर हियरिंग के लिए, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक ही हियरिंग में अक्सर एक ही हियरिंग में पूरा मैटर क्लियर हो जाता है और उसके बाद रिलीफ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा कोई केस चल रहा हो ऑलरेडी कोर्ट में या आईडिया के पास है वो मेरा मामला, तो क्या एट द सेम टाइम मैं ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ, और साथ ही कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसीजर को? इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपका ये क्लेम एग्जिस्टिंग जो डिस्प्यूट है वो कोई कोर्ट में या कोई आर्बिट्रेटर के सामने ऑलरेडी पेंडिंग है, तब आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने कोर्ट ऑलरेडी मूव कर लिया तो यू कांट कम बैक टू द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। ठीक है। जो केस सेटलमेंट की बात है, लगभग 1-1.5 साल के अंदर आपको इसका जो भी ऑर्डर है ओम्बुड्समैन का आ जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी ओम्बुड्समैन का ऑर्डर होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे बाइंडिंग होता है, वो उसे डिस्प्यूट वो उसे चैलेंज वापस कोर्ट में नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं कर सकती हूँ अगर मेरे पास किसी, अगर मैं उनके फैसले से खुश नहीं हूँ तो क्या मैं जाके कोर्ट में वापस गुहार कर सकती? एब्सोल्युटली। सो इंश्योरेंस कंपनीज डिस्प्यूट नहीं कर सकती, वो जाके चैलेंज नहीं कर सकती, उन्हें वो ऑनर करना होगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जो इंडिविजुअल है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जाके आगे अपील कर सकता है। चलिए, तो यानी कोर्ट या IRDA के पास जाने के बजाय आप ओम्बुड्समैन के पास जाकर मदद की उम्मीद कर सकते हैं। और योर मनी में हम न सिर्फ इंश्योरेंस बल्कि लोन, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स के सवालों के जवाब भी देते रहेंगे। बस आपको अपना सवाल भेजना है MFMoneyControl.com पर, अपना नाम, पता और फोन नंबर देना ना भूले। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल, बने रहिए। और मनी में आपका फिर से स्वागत है। अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन टुंगटा। लेते हैं झारखंड से जुनूल बोडरा का सवाल। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम, मैंने आप लोगों की मदद से बहुत प्रोग्राम देखता हूँ मैं। मैंने एक ICICI ऑनलाइन टर्म प्लान लिया, ठीक है, जो 50 लाख का, मुझे पॉलिसी भी इशू हो चुकी है और मुझे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल चुका है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है जो मुझे शंका पैदा कर रहा है, जो मैंने आपको मेल किया मैडम। बिल्कुल। उसमें कहा गया कि मैक्सिमम डेथ बेनिफिट वो लिमिट किया जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिसी इशूड ऑन सेम लाइफ एसेट, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखा है। मैंने आपको डिटेल मेल किया मैडम जी, जी। थोड़ा उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था मुझे। मुझे ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में अगर मेरी इंक्रीमेंट होगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो बेसिकली मैं फ्यूचर में और लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मुझे ये प्लान, ये टर्म एंड कंडीशन क्या मुझे रोकता है आगे इन फ्यूचर में दूसरे इंश्योरेंस टर्म प्लान लेने के लिए अदर कंपनी से या IT कंपनी से? जरूर। आपका और कोई सवाल है जी मैडम? और कोई सवाल जुनून? नहीं मैडम, बस इसमें फर्क। ठीक है, सबसे पहली बात तो हर्ष, बहुत अच्छा, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन इतने ध्यान से पढ़े हैं। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम सवाल आते हैं हमें योर मनी पर, लेकिन वाकई काफी गौर करने वाली बात है जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे किसी भी आम ग्राहक के मन में ये सवाल तो आएगा ही, क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल, मिस्टर बोधरा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास आने के बाद आपने इतनी डिटेल में उसके टर्म्स कंडीशंस पढ़े हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बाकी और भी आपने अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपको भी ये करना चाहिए। आपने जो मेंशन किया है कि कंपनी ने एक क्लॉज दिया है, मैंने ये आपने जो पॉलिसी खरीदी आईसीआईसीआई प्रू आई केयर ऑप्शन वन, मैंने उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं और उसमें जो डेथ बेनिफिट का सेगमेंट है, जो जिसमें अब डेथ बेनिफिट में क्या मिलता है वो डिफाइन किया गया है, वो है क्लॉज 2.1। उसमें ऐसा कहीं नहीं मेंशन है जो आप कह रहे हैं कि आपका जो इंटरप्रिटेशन आपने जो प्रोड्यूस किया है वो ये है कि अगर वो आपकी और भी कई पॉलिसीज होती है सब मिला के आपको 50 लाख का कवर मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। जो डेथ बेनिफिट का सेगमेंट है वो बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आपकी पॉलिसी सिर्फ 4 पॉइंट्स है उसमें, कि आपकी पॉलिसी इनफोर्स होनी चाहिए, आईसीआईसीआई 50 लाख देगा क्योंकि वो आपके पॉलिसी के शेड्यूल में लिखा गया, वो सम इंश्योर्ड है पॉलिसी में, आपका जो पॉलिसी एक बार पेमेंट हो जाता है उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी और जो पेमेंट आपको मिलता है जो भी प्रिवेलिंग टैक्स लॉस है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो सिर्फ ये 4 पॉइंट है उसके अंदर, मुझे नहीं मालूम कि आप ये कहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उसे हाईलाइट किया है मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी से इंडिविजुअली ये चेक करवाइए क्योंकि हमें वो डॉक्यूमेंट में नहीं मिला कहीं भी। इसके अलावा भी मैं एक जनरलाइज आपको बता दूं कि ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं होता है। प्रिंसिपल और इंडेमनिटी जो आप एक्चुअली बात कर रहे हैं वो ओरिजिनेट हो रहा है प्रिंसिपल और इंडेमनिटी से, ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज में लागू होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है आपके पास 2 पॉलिसीज है 5-5 लाख की, आपका अगर टोटल अगर मेडिकल का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका 1 लाख रुपए का आता है, आप 1 लाख रुपया 2 पॉलिसी से कवर नहीं कर सकते, उसमें इंडेमनिटी का क्लॉज होता है, तो आपको उतना ही क्लेम मिलता है जितना आपका खर्चा हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में लागू होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में प्रिंसिपल इंडेमनिटी नहीं होता है। आप 50 पॉलिसीज खरीद सकते हैं विद 50 लाख ईच, अगर आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है तो आपको हर कंपनी को आपको पैसा देना होगा। पॉलिसी इशू करते वक्त वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन सी हैं, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पर्सपेक्टिव से है। सो ये तो प्रिंसिपल्स की बात हो गई, लेकिन क्योंकि आपने इसे हाईलाइट किया है मैं उसे हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आप किसी से पर्सनली चेक करवा लीजिए कि शायद आप यही पॉलिसी का देख रहे हैं कि कोई और ऐसा कोई क्लॉज मिस इंटरप्रेट हो रहा है। बाकी लाइफ इंश्योरेंस में आपका कोई दिक्कत नहीं, आप ये पॉलिसी कंटिन्यू रखिए, आगे जाते हुए जब आपकी इनकम बढ़ती है आप डेफिनेटली दूसरी पॉलिसी लीजिए, दोनों कंपनीज आपको पेमेंट करेगी, प्रोवाइडेड आप दूसरी जब पॉलिसी लेते हैं ये डिक्लेयर करिएगा उसके अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल गया है जुनूल जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ हर्ष। हमें डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है अगर हम कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहे, उससे पहले आपके पास जितनी पॉलिसीज है उनके बारे में जानकारी देना बहुत अहम होता है जो कि अक्सर हम मिस आउट कर जाते हैं, खासतौर से जब हम टर्म प्लान लेने जाते हैं तो इस तरह की डिटेल्स अक्सर जो है ग्राहक नहीं बताता है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? सी इंश्योरेंस इज बेसिकली आपकी एक पर्पस क्या है कि आपकी वैल्यू डेड शुड नॉट बी मोर देन योर वैल्यू अलाइव। Right. अगर एक बंदा है जो 1 लाख रुपया साल का कमाता है, उनके 30 इयर्स हैं अभी और कमाने के, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हिज इकोनॉमिक वैल्यू जो हम निकाल नहीं सकते लेकिन एक इकोनॉमिक वैल्यू इज 30 लाख, 1 लाख × 30 इयर्स। अगर वो पॉलिसी 3 करोड़ की ले लेते हैं, बोलते हैं हम प्रीमियम भरने को तैयार है, 3 करोड़ की पॉलिसी ले लेते हैं, और क्योंकि हम टर्म प्लान का पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम होता है, 1 साल के बाद सुसाइड भी कवर्ड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, तो द वैल्यू डेड ऑफ दिस पर्सन इज 3 करोड़, अलाइव है तो 30 लाख है। खुद सुसाइड कमिट करने की इच्छा रख सकते हैं 1 साल बाद, सो वो आपको फाइनेंशियल अंडरराइटिंग इसीलिए होती है, तो आपको ये बताना होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज कितनी है आपके पास। तो इंश्योरेंस कंपनीज आपकी इनकम के दायरे में जितने आपकी एलिजिबिलिटी है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज मिला के आप देती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करनी है, अगर नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए अपनी सारी जानकारियां खासतौर से इंश्योरेंस को लेकर तो जरूर आपको देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऑनलाइन टर्म प्लान क्यों है बेस्ट और टैक्स बचत के लिए क्या है म्यूचुअल फंड में विकल्प, ये सब आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम ले रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवाल और मेरे साथ है हर्षवर्धन रुमटा। लेते हैं सौरभ हाजरा का सवाल। सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ देखिए, एक्चुअली मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मेरा उम्र है 27 इयर्स,
और मेरा मंथली इनकम है 30,000। ठीक है। तो मुझे एक्चुअली एक जानना था, मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में, फ्लेक्सी फॉर्चून पॉलिसी में। तो उसका प्रीमियम था 30,000 पर ईयर। जी। तो मुझे अभी थोड़ा लग रहा कि मैं वो पॉलिसी कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, मैंने सिर्फ एक ही प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। आपके पास कोई टर्म प्लान है? नहीं जी, नहीं कोई टर्म प्लान नहीं। एक्चुअली तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो इसलिए तो मुझे अगर टर्म प्लान की जरूरत है कि नहीं, काइंडली अगर आप वो भी थोड़ा मुझे बता पाए। जरूर, आपके तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे हम लेते हैं हर्ष से। सबसे पहली बात आपको मैं खुद बोलना चाहूंगी यहाँ पे, सौरव आपने इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट क्यों की है? आपने कोई खास वजह, आपने ये प्लान लिया है कि जस्ट बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी, कहीं पैसे लगाने थे तो आपने ये प्लान ले लिया? नहीं, तो मुझे एक्चुअली एक्सिस बैंक का थ्रू मुझे फोन आया था, तो मेरा अकाउंट वही है, तो मैं वहाँ गया था, तो एक्चुअली मुझे टैक्स सेविंग भी करना था, तो ईयर एंडिंग में मुझे टैक्स सेविंग भी हो रहा था, और वो मुझे बोले थे कि इस पॉलिसी में आफ्टर 5 इयर्स आप मिनिमम 1,50,000 इन्वेस्ट करके आपको समथिंग 4 लाख का रिटर्न है, तो इसलिए मैंने कर लिया था ये पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं हर्ष से आपके तमाम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली टैक्स सेविंग के एक उद्देश्य से इन्होंने ये पॉलिसी ली है, लेकिन हमें ये व्यूवर्स को समझाना बहुत जरूरी हो जाएगा हर्ष कि यहाँ पे रिटर्न के मामले में आप इंश्योरेंस से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा, जैसे कि खुद जब सौरभ ये बता रहे हैं कि इन्हें 4 लाख तक के रिटर्न की का प्रॉमिस किया हुआ है, मेरे ख्याल से इन्होंने खुद में भी कैलकुलेट नहीं किया है कि 4 लाख का जो रिटर्न इनको मिलेगा वो कितना कम है। वेल सौरभ जी, ये आप एक सिंपल मैथ है, मतलब जो बेच रहा है वो तो मिस सेलिंग कर ही रहा है, लेकिन आपको खुद को समझना चाहिए। अगर आप 30,000 रुपीज 5 साल के लिए दे रहे हैं, वो 4-4.5 लाख जो भी अमाउंट आपको बताई गई है वो कोई भी हालत में नहीं हो सकता। तो ये एक डेफिनेटली केस है जो आपको गलत बताया गया है, लेकिन एक एज एन कंज्यूमर आपका खुद का फर्ज बनता है, नॉट ओनली यू बट मैं आप बाकी लोगों के लिए भी कहूंगा कि आप एक कॉमन सेंस एक कहता है कि आप 30,000 5 साल में डालते हैं, 1,50,000 इन्वेस्ट होता है, 5 साल बाद ये 4 लाख, अगर ऐसा होता तो कोई भी कुछ काम नहीं करता, सिर्फ ऐसी पॉलिसीज में पैसे निवेश करते हैं। यहाँ पे हाई रिटर्न प्रॉमिस करके इन्होंने जो है अमाउंट बढ़ा चढ़ा के जो भी जिसने बेची है पॉलिसी वो बोलकर इनको बेचा। एब्सोल्युटली। सो ये दिस इज वन थिंग। आपको अभी क्या सोल्यूशन है आपके पास? आप ये पॉलिसी अभी भी बंद कर सकते हैं। इंश्योरेंस के जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियर है कि आपको अभी जो सरेंडर चार्जेस जो लगेंगे वो मैक्सिमम 6,000 रुपीज तक लगेगा, जो भी आपका फंड वैल्यू है, वो पैसे आपके शिफ्ट हो जाएंगे पॉलिसी डिसकंटिन्यूएंस अकाउंट में। वहां पे जो भी SBI का सेविंग्स बैंक का रेट है वो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, विच इज करंटली 4%। ये पैसे आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहेंगे और उस पर आपको 4% ब्याज मिलते रहेगा, और ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपके हाथ में दे दिया जाएगा। सो आपका जो पहले होता था कि कुछ भी पैसे वापस नहीं मिलते, ये रेगुलेशंस चेंज हो गए और अभी ये प्रोविजंस है जिसमें 5 साल बाद आपको करंट फंड वैल्यू -6,000 रुपीज और 4% के हिसाब से आपको 5 साल बाद दे दिया जाएगा। जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप प्योर टैक्स सेविंग और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जरिए के रूप में कर सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड में ELSS इक्विटी स्कीम्स हैं, कोई गारंटी रिटर्न्स कहीं भी नहीं मिलते, वो इक्विटी है, सो आपको इक्विटी की तरफ फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आप इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, आपके पास 5 इयर्स के बैंक डिपॉजिट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, और भी बहुत सारे PPF है जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। आपने एक टर्म प्लान के बारे में कहा था, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके एक सर्टन बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट देता है इन केस ऑफ अनटाइमली डिमाइस। अगर आप वो पहले पता कर लीजिए कि जितना अमाउंट आपको मिलने वाला है क्या वो सफिशिएंट है जो पेंशन आता है, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक है इन ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी। तो अगर ऑन ड्यूटी होता है तो आपको जितना भी आपकी सैलरी है शायद आपकी रिटायरमेंट एज तक मिलती रहती है, और अगर ऑफ ड्यूटी होता है तब शायद 60% ऑफ जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो पेंशन के रूप में मिलती है। तो आप वो पता कर लीजिए अपने एम्प्लॉयर से, वो 100% सफिशिएंट नहीं होगा आपके फैमिली के एक्सपेंसेस को संभालने के लिए। सो ऑनलाइन टर्म पॉलिसी एक जरिया है जिससे आप ये जो गैप है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म प्लान ले सकते हैं ये, और कितना प्रीमियम पड़ेगा इनको, कितना कवर होना चाहिए इनका टर्म प्लान? वेल, इनका जो कवरेज है वो एटलीस्ट 10-15 times ऑफ इज एनुअल पैकेज। तो अगर बता रहे हैं इनका 30,000 सालाना है, तो अगर 50 लाख का कवर लेते हैं टू बिगिन विद, इट्स अ गुड थिंग टू डू। और 50 लाख का कवर इन्हें अगर ऑनलाइन पॉलिसीज के जरिए ले रहे हैं तो इन्हें 50 लाख का, इन माई ओपिनियन अबाउट 10-15,000 की रेंज में, इनकी एज हमें पता नहीं, 27
27, सो आई बिलीव आपको 10,000 के अंदर में आपको 50 लाख का कवर आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगा। सो ये क्या प्रोवाइड करेगा, जो कंपनी की तरफ से, जो आपके एम्प्लॉय की तरफ से आना है वो तो आना ही है, प्लस 50 लाख एक एडिशनल उनके पॉलिसी के जरिए मिलेगा, विच इज अराउंड 10,000 रुपीज। यहाँ पे इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी करने का यहाँ पे इन्होंने इच्छा दिखाई है, जिसके लिए ये टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जानना चाह रहे हैं जहाँ पे ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सके। वेल इट्स अ गुड आइडिया, अभी हमने बात की कि आप यूलिप और कोई भी ऐसी पॉलिसीज ना लें। आपके पास दो ऑप्शंस बता देता हूं मैं आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स प्लान और कैनरा और बैंको इक्विटी टैक्स सेवर। इन दोनों ईएलएसएस में आप निवेश कर सकते हैं, 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल का लॉक इन है, डज नॉट मीन कि 3 साल बाद आपको रिडीम ही करना है, बने रह सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि इक्विटी है, आपको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम आपके इन्वेस्टमेंट्स को देना होगा। बिल्कुल, और आगे से सौरभ किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज ऊपर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और योर मनी मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। We'll be right back.